नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल सिंधे में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय। मैं आज बनाऊंगा मार्गरिटा कॉकटेल, जो मशहूर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कोई भी बार में जाओ, जाके बोलो कि आपको मार्गरिटा पीना है, तो कोई दूसरा बात ही नहीं होगा, तुरंत बना सकता है। ये इतना 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 फेमस कॉकटेल है। इसका बेसिक कॉम्बिनेशन मैं आगे जाके बताऊंगा, तो देखते रहिए हाउ टू मेक मार्गरिटा। नमस्कार दोस्तों, मार्गरिटा बनाने से पहले सबसे चाहिए आपको मार्गरिटा ग्लास। इसका सिर्व एज यूजुअल ऐसे ही होता है, जहाँ भी जाइए अगर बोलिएगा मार्गरिटा तो इसके इसी ग्लास में आपको वो मार्गरिटा सर्व किया जाएगा। एंड अबव ऑल वी हैव रिक्वायर्ड अ टकीला, एंड मेरे पास है ओ शेरोवा जो मैं आज यूज़ करूँगा। ये गोल्ड टकीला है या रिपोसा तो टकीला है, ये एग्जैक्टली गोल्ड नहीं है, ये रेस्टेड टकीला, थोड़ा सा एज टकीला है और इसमें थोड़ा सा मेलो फ्लेवर मिलता है। और है हम लोगों का पॉइंट टू जो है ये आपका ब्रांडी बेस्ड ऑरेंज फ्लेवर लिक्योर है। तो घर में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर ये इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिलता है, फिर भी अगर आपको आप पैशनेट अबाउट कॉकटेल्स डेफिनेटली मंगवा लीजिए और घर में हमेशा बनाइए मार्गरिटा। बेहतरीन मॉकटेल है एक कॉकटेल है सॉरी दोस्तों बेहतरीन कॉकटेल है और बनाने में बिल्कुल बिल्कुल आसान है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे मार्गरिटा बनाते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिया, साथों साथ आपको चाहिए लाइम जूस, शुगर, लाइम जूस थोड़ा सा, थोड़ा बहुत शुगर सिरप एंड सॉल्ट। सॉल्ट जरूरी है, एकदम जरूरी है मार्गरिटा बनाने के लिए। तो मैं कैसे क्या करूंगा, मैं सॉल्ट का एक रीम बनाऊंगा। तो मैं लूंगा थोड़ा सॉल्ट एक प्लेट में, ये छोटा सा प्लेट में, और इसमें मैं रीम करने के लिए मैं यूज करूंगा एक लेमन। तो मैं हाफ काटूंगा इसको और इसको मैं ऊपर से ऐसा रब करूंगा, ठीक है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये जो जैसे मैंने रब किया तो ये थोड़ा सा हल्का गीला हो गया, तो मैं अभी इसको ऐसे करके ट्विस्ट करूंगा तो इसमें जो है टॉप में सॉल्ट रिम लग जाएगा ऐसे। ये सॉल्ट रिम लग गया, अब इसको साइड करना है, इसको रखना नहीं, अब नीचे इसको साइड कर दिया। ये बन गया ग्लास। अब ये कॉकटेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉकटेल बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक शेकर, जो बहुत ज़रूरी है इस कॉकटेल को बनाने के लिए। तो मैं शेकर पहले लूँगा, शेकर में मैं डालूँगा आइस। आइस मेरे पास है, थोड़ा ज्यादा करके आइस चाहिए हमको, अराउंड 5-6 क्यूब्स ऑफ आइस चाहिए। टकीला 45 ml, याद रखिए दोस्तों 45 ml, आप 60 भी दे सकते हैं। हालांकि ये ग्लास थोड़ा बड़ा है तो मैं इसमें 50 ml के करीब करीब टकीला गोल्ड यूज करूंगा, वो और देना चाहूंगा 50 ml के करीब मैं टकीला गोल्ड दे दिया। और साथों साथ मुझे देना है पॉइंट टू, आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पॉइंट टू क्या है। पॉइंट टू ब्रांडी बेस ऑरेंज फ्लेवर लिक्योर है जो इसमें अद्भुत एक सुगंध देता है, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट भी है। मैं इसको यूज करूँगा अराउंड 20 ml, तो मैंने टकीला दे दिया, पॉइंट टू दे दिया, आइस भी दे दिया। तो इसमें चाहिए लेमन जूस, लेमन जूस भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए मार्गरिटा के लिए, क्योंकि ये एक स्वीट एंड सावर कॉकटेल है। इसका जो कॉम्बिनेशन है स्वीट एंड सावर है, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो लेमन जूस जब भी डालिए एकदम नाप के, तो 20 ml में डालूंगा लेमन जूस। साथों साथ आप थोड़ा शुगर सिरप भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसे स्वीट एंड सावर कॉम्बिनेशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हल्का शुगर सिरप चाहिए तो आप 20 या 10 भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज किया 10 ml। मेरा ये सब कुछ बन चुका है, लेमन जूस मैं दे चुका हूँ, शुगर सिरप दे चुका हूँ, टकीला दे चुका हूँ, पॉइंट टू भी दे चुका हूँ। अभी मुझे इसको शेक करना है,
सा हार्ट शेप होना चाहिए। अब ये नाइस लेमन फ्लेवर, ये हो गया हॉटन्स टेनर, जो घर में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं अक्सर बार्टेंडर लोग यूज़ करता है, ये स्प्रिंग जैसा है, ये आइस को होल्ड करके रखता है, तो मैं इसको डाइवर्ट कर दूंगा अपना ग्लास में ऐसे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन स्लाइस जाएगा, एक लेमन स्लाइस काट के यहाँ पर गार्निश के तौर पे देना चाहिए। चिल्ड मार्गरेटा तैयार है। जैसे आप शेकर में डालेंगे और उसको शेक करेंगे, विद इन 10 सेकेंड इंटर ड्रिंक्स चिल्ड हो जाएगा, क्योंकि शेकर का टेक्निक ऐसा है। इसमें एडिशनल आइस पोर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये विदाउट आइस मगर चिल्ड होना ज़रूरी है, तो मैंने शेकर यूज़ किया उसको चिल्ड करने के लिए। तो मेरा ये मार्गरेटा कॉकटेल तैयार है, आप ज़रूर घर में बनाइए और बना के मुझे बोलिए। जो बार्टेंडर्स है उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि फ्रेंड्स ट्राई करिए मेरा ये वीडियो देख के, तो आपको बहुत बेहतरीन कॉकटेल बनाना आ जाएगा। आपको ट्रेडिशनल कोई ट्रेनिंग लेना ज़रूरी नहीं है, आप मेरा वीडियो फॉलो करिए, आपको आ जाएगा सीखना कि कैसे कॉकटेल बनाया जाता है। तो मैं आज बना डाला मार्गरिटा, आपके लिए इंतज़ार करूँगा, आपका कमेंट्स के लिए इंतज़ार करूँगा। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे जो छोटा चैनल के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो, नहीं भी लगा तो मेरा अकाउंट में मुझे लिखिए आपको मेरा कॉकटेल्स कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अलविदा कहने से पहले एक बार अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करिए।